पिछली क्लास में हमने पूरे हेलोपेरिडॉल्स, उसका सिंथेसिस, उसका सार वगैरह सब देखा था। आज हम देखेंगे फिनोथायाजिन्स, उसका स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, रिलेशनशिप। फिनोथायाजिन में बेसिकली एक्टिविटी दिखाने के लिए, एक्टिविटी शो करने के लिए फिनोथायाजिन रिंग इम्पोर्टेंट है। ये है फिनोथायाजिन रिंग, विच इज एंथ्रेसिन के जैसा रिंग है, बट सेंट्रल रिंग में 9 और 10 पोजीशन पे हिटरो एटम्स। 9 पोजीशन पर थायो यानी सल्फर एटम है और 10 पोजीशन पर नाइट्रोजन एटम है, और सेकंड पोजीशन पर आपका हेलो ग्रुप रहेगा। ओके, दिस इज अ फिनोथायाजिन रिंग। सब्स्टिट्यूएंट्स में रहेगा सेकंड पोजीशन पर हेलो ग्रुप्स और 10 यानी नाइट्रोजन पर अल्किल कनेक्टर विद टर्माइनल अमाइन। ये सब चीजें बेसिक या रिक्वायर्ड हम इसे बोल सकते हैं। यहाँ पर भी कनेक्टर जो है 3 कार्बन का है, CH2, 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 फिर टर्माइनल रिंग जैसा प्रीवियस क्लास में था। ओके, तो सार में सबसे पहले अनसब्स्टिट्यूटेड फिनोथायाजिन हैज नो एक्टिविटी बट हैज इनफ लिपोफिलिसिटी फॉर गुड ब्रेन पेनिट्रेशन। अब फिनोथायाजिन रिंग या एज अ फिनोथायाजिन ही हम अगर पेशेंट को देते हैं तो इसका कोई एक्टिविटी नहीं दिखेगा, बट ये जो है ब्रेन के अंदर प्रॉपरली पहुंच जाएगा, तो इसीलिए एज अ कैरियर काम करता है फिनोथायाजिन। इसमें एक्टिविटी कुछ नहीं है, बट ड्रग को ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है ये फिनोथायाजिन रिंग करता है। तो सब्स्टिट्यूशन एट C2 एंड N10 इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, एक्टिविटी शो करने के लिए। अगर फिनोथायाजिन रिंग नहीं रहेगा तो आपके ब्रेन तक ड्रग नहीं पहुंचेगा, तो एक्टिविटी विल नॉट शो। इसी वजह से फिनोथायाजिन रिंग इज इनडायरेक्टली मस्ट फॉर द एग्जीबिशन ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी शो करने के लिए फिनोथायाजिन रिंग मस्ट है, बट इट इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। सब्स्टिट्यूशन दो जगह पर है, C2 पर और N10 पर। देखते हैं, C2 must have an electron withdrawing group. Electron withdrawing group, जिसमें कि electrons वो अपने पास ले सकता है, यानी highly electronegative हम बोल सकते हैं। The activity for these various group is as follows. सबसे ज्यादा रहेगा thionine, उसके बाद CF3, उसके बाद CO यानी acetyl group और chlorine। इसमें से कोई भी group ले सकते हैं आप। Chlorine की जगह पर bromine, iodine भी हम यहाँ पर use कर सकते हैं। सेकेंड पोजिशन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, सल्फोनिन, नाइट्राइल फ्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसीटेट, RCO कीटोन्स, फिर अल्डिहाइड्स और आपका हेलो, इस तरह से रहेंगे। ओके, तो इसमें से आप कोई भी ग्रुप यहाँ पर दे सकते। टर्माइनल अमाइनो सब्स्टिट्यूएंट मस्ट बी प्रेजेंट एट N10। टर्माइनल अमाइनो कहाँ पर चाहिए? N10 पर। इट कैन बी पाइपराजिन, पाइपरिडिन और एलिफेट। ये कहाँ पर रहेगा? N10 पर जो है पाइपराजिन रिंग हो सकती है, पाइपरिडिन रिंग हो सकती है या एलिफेटिक टर्माइनल। कुड बी रैंक्ड एज फॉलोज। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एस्टरीफिकेशन ऑफ OH, OH का जो एस्टरीफिकेशन है उसको अगर हम स्टेरिफाई करते हुए इस ग्रुप को, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर फ्यूफेनाजिन इंथाएट, इसमें CF3, तो डोसेज रेंज है 25 से 100, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है 1 से 2 वीक। ओके, उसी को आप अगर एसिटिल में देखते हैं यहाँ पर स्टेरिफिकेशन में, तो यहाँ पर 2 से 3 दिन आता है। ओके, स्टेरिफिकेशन। There must be a linear,
दैट इज अनब्रांच्ड अल्की लिंकर बिटवीन द कोर रिंग एंड द टर्माइनल अमाइनो रिंग. दोज लेंथ इज ऑप्टिमम एट 3 मिथिलिन यूनिट्स, दैट इज CH2CH2CH2. यानी आपका फिनोथायजिन रिंग और इधर का जो टर्माइनल है, जो टर्माइनल है इसके बीच में तीन कार्बन की ही चेन होनी चाहिए, तीन कार्बन की चेन. ओके, अब देखिए सेम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, सिमिलरली ये प्रोमिथाजिन इट इज एंटीहिस्टामिनिक है और क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक. रिडक्शन ऑफ दिस कार्बन नंबर चेंजेस द रिसेप्टर एफिनिटी. अब यहाँ पर दो कार्बन की चेन है दोनों नाइट्रोजन, जिसकी वजह से रिसेप्टर एफिनिटी चेंज हो. ड्रग है क्लोरप्रोमाजिन का स्ट्रक्चर इट इज अ फिनोथायजिन डेरिवेटिव. फिनोथायजिन डेरिवेटिव यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया में यूज किया जाता है और ये पहला एंटीसाइकोटिक ड्रग. ये एज एंटीमेटिक भी यूज करते हैं अगेंस्ट अ हिप का. हैज हाई इंसिडेंस ऑफ ईपीएस एंड एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट इसके ज्यादा है. इट्स मेटाबोलाइट हैज अ स्ट्रॉन्गर एंटी एड्रेनर्जिक, वीक एंटीकोलिनर्जिक एंड स्लाइटली एंटीहिस्टामिनर्जिक प्रॉपर्टीज, नॉट पैरेंट मॉलिक्यूल बट इसके मेटाबोलाइट्स अलग अलग है. इसीलिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स ज्यादा है क्योंकि उसके मेटाबोलाइट भी एक्टिव होते हैं या कहीं ना कहीं रिसेप्टर पर बाइंड होते हैं. मोड ऑफ एक्शन, इट एंटागोनाइजेस डोपामिन 2 इन द मेसोकॉर्टिकल एंड मेसोलिम्बिक पाथवे. दोनों पाथवे में डोपामिन D2 रिसेप्टर पे एंटागोनाइज करते हैं एक्टिविटी. क्लोरप्रोमाजिन का सिंथेसिस, क्लोरफिनोथायजिन 2-chlorophenothiazine की रिएक्शन, 3-chloropropyl डाइमिथाइल अमाइन, 3-chloro 1-2-3 डाइमिथाइल अमाइन रिफ्लक्स इन प्रेजेंस ऑफ टोल्यून एंड सोडामाइन. इसको रिफ्लक्स करना इन दोनों को टोल्यून और सोडामाइड में, यू विल गेट द क्लोरप्रोमाजिन. ट्रांस हैज आर ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, सिस हैज आर ग्रुप्स ऑन सेम साइड, ये तो हमें पता है. अब देखिए डिसाइड सिस एंड ट्रांस इन दिस कंपाउंड्स, कौन सा है सिस और ट्रांस. देखिए ये डबल बॉन्ड है, इसके दोनों साइड में बल्की ग्रुप है इसलिए ये सिस और ये अपोजिट है इसलिए ट्रांस. फ्लुपेंथायोक्सोल, ये है सिस एक्टिव और ये ट्रांस. ओके, सिस और ट्रांस. इट इज अ थायोक्सैंथिन डेरिवेटिव यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया. ओके, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया. इट कैन एग्जिस्ट इन सिस एंड ट्रांस फॉर्म, ओनली सिस इज एक्टिव, तो सिस फॉर्म ही एक्टिव है बिकॉज इट माइमिक्स द कन्फर्मेशन ऑफ डोपामाइन. ये क्या करता है, डोपामाइन के जैसा स्ट्रक्चर है तो डोपामाइन की जैसी एक्टिविटी बताता है. इस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज अ लॉग, दैट इज 2-3 weeks एंड हेंस यूजफुल इन पेशेंट्स हु हैव पुअर कंप्लायंस विद द मेडिकेशन. यानी जो पेशेंट दवाई लेने में हिचकिचाते हैं या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में इसका यूज थोड़ा ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि एक बार आप मेडिकेशन देंगे तो उसे 3 हफ्तों तक इसकी एक्टिविटी चलती रहे, जिसकी वजह से जो नॉन कंप्लायंस पेशेंट है उनमें ज्यादा यूज किया जाता है. ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, इट इज ए नॉन सिलेक्टिव है. एंटागोनाइजेस बोथ डोपामाइन D1 एंड D2. क्लोरप्रोमाजिन सिर्फ D2 पे काम करता था, ये D1 और D2 यानी डोपामाइन 1 रिसेप्टर डोपामाइन 2 रिसेप्टर मेसोकॉर्टिकल और मेसोलिम्बिक पाथवे जो हमने कल डिस्कस किया था उन दोनों पाथवेज में काम करता. ओलेंजापाइन जिसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, रिंग थोड़ा सा चेंज हो गई है इसमें. इट इज अ टिपिकल ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया and also used in a bipolar disorder. Olanzapine is a potent antagonist of the muscarinic
M3 receptor, and this has been linked to its diabetic side effect. बोले जब एक potent antagonistic है muscarinic receptor पर, और ये इसमें जो side effect दिखता है diabetic side effect दिखाता है, इसका use कम. It can cause heart failure, sudden death or pneumonia when used in older adults suffering from dementia. और dementia में अगर हम इसको use करते हैं तो heart failure, sudden death, क्योंकि heart failure होगा, फिर pneumonia हो सकता है, especially in older patient, यानी ज़्यादा age के patients में अगर हम इसको use करते हैं तो इस तरह का effects दिखता है. It has a low antagonistic activity in dopamine D2 receptor and primary action is believed to have occurred through inverse agonism. जो inverse agonism हमने कल discuss किया था, वो यहाँ उसके through ये काम करता है olanzapine. At a serotonin that is 5-HT2A receptor and antagonism at adrenergic receptor. Schizophrenia और dementia में difference है. Schizophrenia both positive and negative symptoms must occur. Multiple cognitive problems occur. एक से ज़्यादा अलग-अलग problems इसमें एक साथ हो सकते हैं. Schizophrenia is independent disease. It is a physiological result of an illness or substances. Example, dementia in Parkinson and Alzheimer's. इसमें एक combination में होता है, along with Parkinson या Alzheimer's. तो schizophrenia एक अलग से अकेला disease आता है. QTAPIN में का structure इस तरह से है. It is a short acting atypical antipsychotic used for the treatment of schizophrenia and bipolar disorder. It is a dopamine, serotonin and adrenergic antagonist and a potent antihistamine. ये क्या है? Dopamine, serotonin और adrenergic को opposite action बताता है, साथ में histamine की opposite action strongly बताता है, और anticholinergic बहुत कम property बताता है. ये काम करता है, इट हैज अ लो एंटागोनिस्टिक, बहुत कम डोपामाइन एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी D2 रिसेप्टर पर है. प्राइमरी एक्शन हैज बिलीव, यानी इसको ऐसा समझा जाता है कि ये रिवर्स एंटागोनिज्म पर काम करता है, बोथ यानी सीरोटोनिन और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पर एज एंटागोनिस्टिक काम करता है. अरोमेसिटी, विच वन ऑफ दिस ट्राइसाइक्लिक रिंग इज अ फ्लैट, कौन सी रिंग फ्लैट? इट इज अ फ्लैट, अगर हम बोलेंगे तो ये वाली फ्लैट हो सकती है, क्योंकि ये 7 मेंबर्ड है और दोनों साइड में बेंजीन रिंग है, दोनों फ्लैट. तो ये फ्लैट नहीं हो सकती क्योंकि ये नाइट्रोजन और सल्फर थोड़ा सा करीब आएंगे, दैट्स व्हाई इट विल बी द फ्लैट. एरिपाइप्राजोल, इट इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिज्म and as an adjunct in a depression. देखिए कहाँ कहाँ use किया जाता है, schizophrenia में, bipolar disorder में, और autism से related जो irritability रहती है patient में, उसे कम करने के लिए इसको use किया जाता है. और depression में भी इसको use किया जाता है as an additional drug. Extrapyramidal side effect इसके बहुत कम है, और ये 5-HT यानी histaminic receptor 2C इसको agonize करता है with controlled safety. Thus, this drug does not cause weight gain. इसकी वजह से weight gain नहीं होता, which is seen with other antipsychotic drug. Other antipsychotic drug में जो दिखता है weight gain, वो इसमें नहीं दिखता. It is a partial agonist. ये partially agonist करता है D2 और serotonergic, यानी histamine 2A receptor. Okay. पूरे summary हम देखेंगे. Antipsychotic drugs are not the same. Mode of action सभी का same नहीं है. Haloperidol जो काम करता है D2 पर inverse agonist, serotonin पर no action, adrenergic पर भी no action. Chlorpromazine D2 पर antagonist है, serotonin पर no action है, adrenergic पर no action. Flupentiazole, both D1 and D2 antagonist काम करते हैं, इसमें no action है, serotonin और adrenergic. Olanzapine वीक एंटागोनिस्ट है डोपामिन का, तो सीरोटोनिन का इनवर्स एगोनिस्ट है और एड्रेनर्जिक पर एंटागोनिस्ट, यानी तीनों पर ये एक्शन है. क्यूटापिन वीक एंटागोनिस्ट है, सीरोटोनिन पर भी एंटागोनिस्ट है और इस पर एड्रेनर्जिक पर भी एंटागोनिस्ट.
पायरेजोल, ये पार्शियल अगोनिस्ट है डोपामाइन पर और सीरोटोनिन पर भी पार्शियल अगोनिस्ट. दिस इज ऑल अबाउट द एंटी साइकोटिक ड्रग्स. We have discussed it in yesterday's class. We have discussed the all the drugs, and today with the phenothiazines. Okay, हमने पूरा discuss किया है. कल कुछ classes हमने discuss किए थे और आज remaining की. Okay, तो यहाँ पर unit 4 से जो first unit है हमारा antipsychotic, वो हम आज conclude कर रहे हैं.